सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है और आप देख रहे हैं साजिद अली व्लॉग्स। तो काफ़ी दिन के बाद मेरा व्लॉग आया है। तो आज के व्लॉग में कोई ख़ास बात नहीं होगी, कोई ख़ास स्टोरी नहीं होगी, सिर्फ आज के व्लॉग में यही है। वे यार एक तो मुझे नगला और मैं जा रहा हूँ अपना लाइसेंस बनवाने। और लाइसेंस बनवाने के मेरे दो रीज़न है। रीज़न नंबर वन कि मेरा जो लर्निंग लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका है। उसको एक्सपायर हुए हुए 18 मंथ्स हो चुके हैं, यानी डेढ़ साल हो चुका है। और दूसरी रीज़न ये था कि 18 महीने से मैं ऐसे ही लर्निंग पे ख़त्म, लर्निंग लाइसेंस तो अपनी बाइक चला रहा था, कार भी चला रहा था, लेकिन रिसेंटली पिछले हफ्ते मेरे दो चालान हो चुके हैं। तो अब्बू ने बोला बेटा पहली फुर्सत में लाइसेंस बनवाओ। तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइसेंस ऑफिस लाइसेंस बनवाने के लिए। और क्या नाम है, सुनने में तो ये आया कि परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत लांडे होते हैं, 5-6 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बहरहाल मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अभी लर्निंग ऑफिस सॉरी, तो अभी चलते हैं लाइसेंस ऑफिस लाइसेंस बनवाने, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन है, फिर आगे आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं लाइसेंस ऑफिस। ये है कि हम लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने कहा कि पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और उसके बाद आप आएँ। तो वेबसाइट मैंने उनकी खोली तो वेबसाइट उनकी चल रही नहीं है। नहायत ही खतरनाक किस्म के जलील हो गए, घर जा रहे हैं। 2 hours later. सो हेलो जी, मैं पहुँच चुका हूँ अभी घर, लाइसेंस ऑफिस से भी अभी आया हूँ। तो अभी बैठते हैं अपने कमरे में, फिर आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये विंडो के सामने मैं रखता हूँ अपना मोबाइल। सो हाँ, सही लाइटिंग आ रही है। तो भैया हुआ कुछ यूँ कि जब मैं लाइसेंस ऑफिस पहुँचा तो पहले तो हो रहा था मुझे घर में नज़ला ना सुबह से। तो मैंने कहा यार गर्मी भी हो रही है, हेलमेट पहन के जाएंगे मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ ऐसे ही बिना हेलमेट के, बिना मास्क के लाइसेंस ऑफिस चला गया। वहाँ जाके पता चला कि भाई आप लाइसेंस ऑफिस में डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट होगा तो हम आपको अटेंडर जाने देंगे, वरना नहीं। मैंने बोला यार ये तो भंड हो गया। सो बहरहाल वहाँ से हमने उनकी वेबसाइट देखी, उनके जो हेल्पलाइन नंबर था वो हमने अपने मोबाइल में उसकी पिक्चर खींची। उसके बाद हम वापस पार्किंग में आए। पार्किंग में आके थोड़ी देर बैठे, सांस सांस लिया, जूस वगैरह पिया और नज़ला ज़्यादा हो गया था क्योंकि हवा लगी थी। यहाँ से मेरे घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है वो ऑफिस, तो कुछ ज़्यादा नज़ला हो गया था। फिर मैंने वहाँ से मास्क ख़रीदा, मास्क पहन के फिर मैं घर पे आया हूँ अभी है। तो अब दूसरा काम ये है कि जो मेरी कार है उसका हॉर्न नहीं बज रहा 3-4 दिन से ना, तो बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि रोड भी खुदाई वगैरह होता है, वन वे आना जाना हो रहा है, तो उसके लिए हॉर्न लाजमी है। तो हॉर्न मेरा ख़राब हुआ है, अभी जाना है कार का हॉर्न सही करवाना। غريبة بتحصل الشعر بالحب والهنا امتى اللقاء امتى ما تقول قرب قرب مني قرب ليه انت بتهوى البعض جرب جرب حبي جرب هو الاصلي مش لعب قرب قرب مني قرب ليه انت بتهوى البعض جرب جرب حبي
आज के दो काम हो चुके हैं, लाइसेंस का काम भी हो चुका है और हमारी गाड़ी का काम भी हो चुका है। अब तीसरा काम सिर्फ ये बचा है आज के ब्लॉग के लिए कि मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था जो कि वो आ चुका है। अभी मेरे पास डिलीवरी बॉय कॉल आई थी, डिलीवरी बॉय की कॉल आई थी कि भाई मैं आपके इलाके में पहुँच चुका हूँ, अपने घर का एड्रेस बता दें। तो बस अभी वो आ रहा है मेरे घर पे, उससे ऑर्डर लेना है, उसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करना है। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया तो बस राइडर का इंतज़ार है, उसका नज़ारा करा के, ऑर्डर का नज़ारा करा के उस ब्लॉग को ख़त्म कर दें। हेलो जी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो यार वो आ चुका है, पहले जाके उनसे ऑर्डर लेके आते हैं। सॉ भैया ये ऑर्डर आ चुका है, लेकिन सिर्फ अनबॉक्सिंग इस ब्लॉग में नहीं करेंगे, अनबॉक्सिंग होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल अनबॉक्सिंग की वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।